गाइस, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुमताज़ स्टाइल साड़ी मैंने ड्रैप किया हुआ, जो मैंने अपलोडिंग किया हुआ है, उसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होती है या फिर कहिए तो डांस करने में प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डांस करने में या तो फिर चलने में, वॉक करने में। देन गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से वही सारी ड्रैपिंग लेकर आई हूँ, और आज मैं आपके सामने करके आई मीन की डांस भी करके दिखाऊंगी, और जो है कि वॉकिंग करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं दो दो ड्राइविंग करने वाली हूँ, जो कि फेस कट में भी सबको ये सबके प्रॉब्लम है कि आपको उस पर चल के दिखाइए, बिकॉज वो चलने में उनको तकलीफ हो रही है। और आज मैं मुमताज स्टाइल पे भी वही बताने वाली हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको वही सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये गाइस, मैंने अभी तक 3 लेयर ले लिया हुआ है, और मेरे पास अभी पल्लू ज़्यादा बच रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक लेयर और ले लूँ। तो मैं सबसे पहले आपको अपने लेयर्स दिखा देती हूँ, मैंने कैसे लिया हुआ है। और मेरे पास ये साड़ी ज़्यादा बच रही है, सो मैं आपको एक लेयर और करने वाली हूँ। तो आप फैब्रिक को इस तरीके से मोड़ लें, क्योंकि ये लेयर जो है इसके ऊपर आने वाला है। देखा आप इस तरीके से। ये पूरी लेयर्स मेरे देख लीजिए आप, नीचे से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये हमारा लास्ट है, फोर्थ है ये, और ये हमारा लास्ट है, फोर्थ लेयर। अब मैंने आपको सारे लेयर्स दिखा दिए, और अब मैं पल्लू लेने वाली हूँ। तो हमें पल्लू को अच्छे से प्लीट कर लेना है, जितना बारीक आप रखना चाहते हैं।
सामने देखा कि मैंने ये ड्राइविंग कर ली है पूरी कंप्लीट, और मैंने पल्लू भी लंबा रखा हुआ है, बिकॉज आप चाहें तो सर पे भी इस तरीके से रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप अपने सर पे भी रख सकते हैं। सो गाइस, आपकी रिक्वेस्ट ये थी कि मुझे साड़ी में चल के दिखाना है, तो मैं बहुत ही आसानी से तो नहीं चल पा रही हूँ, बिकॉज मैं दौड़ नहीं सकती हूँ। बट ऐसी ये साड़ी पहन के मैं दौड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो एक नॉर्मल वॉकिंग होती है, एक नॉर्मल चलने का जो तरीका होता है, उस तरीके से मैं बिल्कुल और बहुत ही आराम से चल सकती हूँ। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सी बात है कि जो नीचे वाला सबसे लास्ट का लेयर आप उससे थोड़ा सा ढीला रखें घुटने तक, और सेकेंड लेयर को भी थोड़ा सा ढीला रखें, बिकॉज ये जो घुटना है हमको यहीं तक प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ तक ढीला करें, तो उसके बाद से जो ऊपर की फिटिंग है आप उसे अच्छे से फिटिंग कर लें, सो आपको चलने में आसानी होगी। और हाँ, रही बात चल के दिखाना, तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ, और मैं कुछ छोटे छोटे डांस भी करके दिखाऊंगी, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम पे आप जाके आप मुझे इस साड़ी की ड्राइविंग का डांस देख सकते हैं, और मैं बहुत ही इजीली कूद सकती हूँ, बहुत अच्छे डांस नहीं आता बट कूद सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले वॉकिंग करके दिखाऊँ। आई होप कि आपको जरूर पसंद आई होगी, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। सो गाइज, अभी आपके एक रिक्वेस्ट और भी है कि फिस्कर साइड रैपिंग में हम कैसे चले, सो मैंने आपको इसमें चल के भी दिखा दिया, और इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा डांस भी किया हुआ बहुत ईजिली, आई मीन बहुत अच्छा नहीं, बस छोटा सा डांस है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, और कुछ कोई थॉट्स हो, कोई ओपिनियन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँगी। सो बाय।